खुदा और मोहब्बत ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे जब माही अपने कमरे में मौजूद होती है, सिकंदर उसके पास आकर कहता है कि मैं अपनी वालदा की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, उन्हें तुमसे इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी, वो अभी तक तैमूर की मौत के सदमे से नहीं निकली, शायद इसीलिए उन्होंने तुम पर गुस्सा कर दिया, लेकिन मैं उनकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। माही कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप मुझसे माफ़ी मांग कर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, शायद ये सब कुछ मेरे नसीब में लिखा हुआ है और नसीब में लिखा कोई भी टाल नहीं सकता, जिसके जवाब में सिकंदर कहता है कि तुम जो कुछ भी कह रही हो वो ठीक है, लेकिन अब तुम्हें अपनी हवेली में वापस चले जाना चाहिए। माही कहती है कि अब यही मेरा घर है, इसे छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जा सकती। इधर अगर बात करें सिकंदर की वालदा की, उनका गुस्सा अभी तक कम होने का नाम तक नहीं ले रहा, यहाँ तक कि जब भी माही उनकी आँखों के सामने आती है वो उसी वक्त माही से गुस्से से पेश आना शुरू कर देती है और सिकंदर को ये बात बहुत बुरी लगती है। सिकंदर अपनी वालदा को भी समझाने की कोशिश करता है कि माही का इसमें क्या कसूर, आखिर वो तैमूर की मौत का जिम्मेदार माही को क्यों ठहरा रही है। उन्हें यही लगता है कि जब से माही इस घर में आई है उनका बेटा उनसे जुदा हो गया।